हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट न्यू चैप्टर, लेसन नंबर 3, पॉलीनॉर्मल्स। यू नो अबाउट द पॉलीनॉर्मल्स, यू लर्न अबाउट पॉलीनॉर्मल्स इन 9th क्लास। पॉलीनॉर्मल इज द शॉर्ट फॉर्म इज द पीएक्स। पॉलीनॉर्मल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीएक्स। सपोज ई हैज द नंबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द पॉलीनॉर्मल्स। देन ax की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज द आल्सो इज द पॉलीनॉर्मल। देन पॉलीनॉर्मल द कॉफिशियंट, यू नो दैट कॉफिशियंट मीन्स एक्स का स्क्वायर का कॉफिशियंट पूछो तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा? ए। एक्स का कॉफिशियंट बी। एंड सी इज द विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। जो विदाउट वेरिएबल होता है वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। और जो एक्स और वाई के साथ वेरिएबल होता है, दिस इज द एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो डी इज द कॉन्स्टेंट। देन वेरिएबल एक्स का वेरिएबल पूछे तो सी एक्स स्क्वायर का एक्स का कॉफिशियंट पूछे तो सी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बी, और एक्स की क्यूब का कॉफिशियंट पूछे तो क्या हो जाएगा? ए। दिस इज अ पॉलीनॉर्मल्स। नाउ वी स्टार्ट द जीरो पॉलीनॉर्मल्स। जीरो पॉलीनॉर्मल्स मीन्स इस वैल्यू में एक्स की वैल्यू के आपको क्या पुट करेंगे तो जिसका आंसर आपको मुझे क्या मिले? जीरो। इज कॉल्ड द जीरो पॉलीनॉर्मल्स इन द 8th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द 10th क्लास। 10th क्लास में आपका क्या है कि पॉलीनॉर्मल्स है, उस पॉलीनॉर्मल्स के आपको क्या निकालने हैं? फैक्टर्स। फैक्टर निकाल के जो दो फैक्टर्स बनेंगे इज द जीरो पॉलीनॉर्मल्स। सपोज जैसे दिस इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज अ पॉलीनॉर्मल्स। देन डू द फैक्टराइजेशंस, डू द फैक्टराइजेशन देन गेट द टू वैल्यू, तब एक्स माइनस अल्फा या एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा जो भी फैक्टराइजेशन करते हो तो उसका आप इस फॉर्म में लिखते हो, ठीक है? तो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। दिस द अल्फा एंड बीटा इज कॉल्ड द जीरो पॉलीनॉर्मल्स। अल्फा बीटा को क्या कहोगे? जीरो पॉलीनॉर्मल्स। जैसे सपोज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, राइट? दिस इज द पॉलीनॉर्मल्स। इसका मैं फैक्टराइजेशन किया तो क्या बना? टू एक्स प्लस वन और टू एक्स प्लस वन, दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये दिस इज अ फॉर्म, ये फॉर्म में मिलेगा। तो इसमें x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वन अपॉन टू या x प्लस वन अपॉन टू, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा। और ये क्या हो जाएगा उसका? अल्फा। तो x प्लस अल्फा और x प्लस बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इज द जीरो, मतलब अल्फा बीटा निकालोगे जीरो पॉलीनॉर्मल्स। अब इस अल्फा बीटा का आपको रिलेशंस बताना है। रिलेशंस में क्या आएगा? टू टाइप्स के रिलेशन होगा, एक तो सम ऑफ जीरो और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरो दिस इज द फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए या कॉफिशियंट के साथ रिलेशन बताना है आपको। तो कॉफिशियंट क्या हुआ? कॉफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड? बी क्या आपका? कॉफिशियंट ऑफ एक्स। और एक्स स्क्वायर क्या है? कॉफिशियंट ऑफ ए क्या आपका? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दस इज द सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो मीन्स आपके दो जीरो मिले, अल्फा बीटा। सम मीन्स क्या होता है? प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई? दिस इज द वैल्यू रिलेशंस। अल्फा प्लस बीटा करो या कॉफिशियंट ऑफ जीरो के साथ रहो तो आंसर इज द सेम। वो क्या हो जाएगा? उसका रिलेशंस हो जाएगा। सेम थिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो जीरो कौन से हुए आपके? अल्फा और बीटा। मीन्स प्रोडक्ट करना यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है? इसका कॉफिशियंट के साथ क्या रिलेशन होगा? इसका कॉफिशियंट के साथ रिलेशन होगा कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट मीन्स क्या होता है? सी। और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए। दिस द कॉफिशियंट ऑफ जीरो पॉलीनॉर्मल्स के साथ किसका रिलेशन हुआ? कॉफिशियंट का। और दिस इज द क्वेश्चन, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है जो इस साल आपके बोर्ड में एग्जाम में आया था। नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.3.1। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये तो सिर्फ आपका एक्सप्लेनिंग था, अब नाउ आपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तब इसको आपको ज़्यादा एक्सप्लेनिंग हो जाएगा। नाउ फर्स्ट नंबर,
3.1 question number first. Find the zero of quadratic polynomial and verify the relation between the zero and the coefficient. उसके relations को आपको verify करना है और find the zero. Find the zero means क्या निकालना है? Alpha and beta की value. मतलब do the factorization. Then question number first. 4s square plus 8x. Question number first क्या है? 4s square plus 8x. Exercise 3.1. Question number first. 4x square plus 8x. इसमें क्या निकालोगे? पहले कॉमन निकालोगे. क्या कॉमन निकालोगे? 4x का कॉमन निकालो. यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस टू. नाउ इसमें से कॉमन निकालो 4x. यहाँ पे क्या बचा? 4x प्लस टू यानी x प्लस टू इक्वल टू x. दिस इज द इक्वल टू. आप क्या पुट करोगे? जीरो. नाउ x प्लस टू 4x इक्वल टू जीरो. देन 4x इक्वल टू जीरो एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो. तो x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू क्या हुआ? माइनस टू. जब x इक्वल टू जीरो, दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द अल्फा. ये क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? अल्फा. और दिस इज़ द बीटा. अंडरस्टूड? दिस इज़ द अल्फा और सेकेंड इज़ द बीटा. देन फर्स्ट इज़ द एक्स स्क्वायर 4s स्क्वायर. इसको क्या करोगे? कंपेयर करोगे. कौन के साथ? कंपेयर विथ. कंपेयर पी एक्स विथ ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. देन ए की वैल्यू पर क्या हो जाएगा? 4. और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8. एंड सी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सी की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0. अंडरस्टूड? अब उसने क्या होगा? वेरीफाई दिया है सम ऑफ जीरो. रिलेशंस बताना है, तो क्या लिखोगे? सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो मीन्स क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था? माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कॉफिशियंट ऑफ एक्स इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दाउ पुट द वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों का क्या करोगे? प्लस. 4 प्लस 8 कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी 0 माइनस 2 है. सॉरी, अल्फा की प्लेस पे क्या है? 0. एंड बीटा की प्लेस पे क्या है? माइनस टू. बीटा क्या आपका? माइनस टू. अल्फा क्या आपका? 0. देन 0 प्लस माइनस टू, प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस टू. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सॉरी बी अपॉन ए इक्वल टू बी की वैल्यू पर क्या लिखोगे? -8. ए की प्लेस पे क्या लिखोगे? 4. ठीक है, इसका कट करोगे, 4 2 -2 क्या हुआ? -2. सेम आंसर आ रहा है. -2 -2 दोनों में सेम आ रहा है, तो यह लिखोगे हैंस वेरीफाइड. नेक्स्ट, अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो. दोनों रिलेशंस बताने आपको, सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हुआ? अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा? कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अल्फा इनटू बीटा यानी मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई बाय -2. जीरो में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0. कांस्टेंट क्या आपका? सी इक्वल टू क्या है? 0. 0 अपॉन ए, ए की वैल्यू क्या है? 4. 0 अपॉन ए यानी 0 में अगर कोई भी नंबर का डिवाइड करोगे, इस आंसर इज द एट द 0. मतलब कॉफिशियंट ऑफ 0 भी, ये भी 0 आ रहे हैं, ये भी 0 है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? हैंस वेरीफाइड. अंडरस्टूड? समझ आ गया? वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. पहले जिस नंबर्स का कोई भी नंबर्स है, उसका क्या करोगे? फैक्टराइजेशन करोगे. फैक्टराइजेशन करके एक अल्फा निकालोगे, दूसरा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू निकालोगे. अल्फा बीटा निकाल के फिर कंपेयर विद द पॉलीनोमियल्स. कौन से इक्वेशन के साथ? ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करोगे. ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 0. देन सम ऑफ जीरो निकालना, फिर बाद में क्या निकालना? प्रोडक्ट ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो का आंसर
अल्फा प्लस बीटा का जीरो कॉफिशेंट के जो है कॉफिशेंट के साथ भी इसका सेम आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा वो भी कॉफिशेंट के साथ क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, डू द फैक्टराइजेशन। फोर का ऐसा पार्ट है जब फोर है, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, टू एक्स कॉमन निकल जाएगा, टू एक्स माइनस वन, माइनस वन निकलना, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टू। सेम थिंग हियर भी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टू, तो x की वैल्यू 1 अपॉन टू, x की वैल्यू 2 निकल गई। दिस इज द, ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा, और ये आपका क्या हो जाएगा बीटा, देन अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, वन अपॉन टू, एंड बीटा इक्वल टू आल्सो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू। नाउ कंपेयर विथ, कंपेयर पी एक्स विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करोगे, ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा फोर, बी की प्लेस पे क्या हो जाएगा माइनस फोर, एंड सी की प्लेस पे क्या हो जाएगा वन। नाउ अब क्या करोगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इक्वल टू सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा किसके साथ, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ माइनस कॉफिशियंट ऑफ x अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस कॉफिशियंट ऑफ x अपॉन कॉफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस फोर, ए की प्लेस पे वैल्यू पे फोर, टू प्लस टू कोटेशन हो जाएगा वन, फोर से फोर कट गया, माइनस से माइनस, आंसर इज द वन, दोनों क्या हो गए सेम आ गए, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इज द सेम। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स c अपॉन a इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशियंट ऑफ a, सॉरी x स्क्वायर, कॉफिशियंट ऑफ a स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है आपकी वन, और a की वैल्यू कितनी है फोर, इक्वल टू कॉन्स्टेंट कितना है वन, और अल्फा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, पहले मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू बीटा यानी वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू का मल्टीप्लाई करना है, वन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन टू इक्वल टू वन अपॉन फोर, ईयर भी क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर, कॉन्स्टेंट वन है एक्सिस फोर इक्वल टू वन अपॉन फोर, दोनों आंसर क्या हो जाएंगे सेम, इज द हैंस वेरीफाइड, अंडरस्टूड। Now there are the 6 questions, I do the 3 questions or rest of 3 you do yourself. Now question number 5th.
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्री. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री. इसमें से x बाहर निकालोगे, x माइनस रूट थ्री. इधर माइनस वन निकालोगे, x माइनस रूट थ्री. एक्स माइनस रूट थ्री एक्स माइनस वन मीन्स x इक्वल टू ज़ीरो. तो x माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो. x इक्वल टू क्या आएगा? रूट थ्री. और x इक्वल टू क्या हुआ? वन. देन अल्फा इक्वल टू क्या हुआ? रूट थ्री. बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन. नाउ इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के साथ प्लस सी के साथ कंपेयर करो, तो ए बराबर हुआ वन, बी बराबर ये पूरा हो जाएगा विथ माइनस के साथ आएगा कि आगे माइनस है, माइनस रूट थ्री प्लस वन. एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट थ्री. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, अब सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. अल्फा की वैल्यू क्या है? रूट थ्री. बीटा की वैल्यू क्या है? वन. मीन्स क्या हुआ? रूट थ्री प्लस वन. माइनस ये माइनस और ये बी का माइनस, माइनस रूट अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन ए की प्लेस पे वन. माइनस माइनस कट हुआ, ये क्या हुआ? रूट थ्री प्लस वन. दिस इज़ अ रूट थ्री प्लस वन. हेयर भी रूट थ्री प्लस वन. दिस इज द सेम. नाउ सेम थिंग, अब क्या निकालोगे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय वन रूट थ्री. सी की वैल्यू कितनी है? रूट थ्री अपॉन वन. रूट थ्री अपॉन वन इक्वल टू रूट थ्री. दे आर द बोथ आर द सेम इज द हैंस वेरी फाइव. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पहले फैक्टराइजेशन करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो के साथ उसके क्या करना है, रिलेशनशिप्स बतानी है कि दिस रिलेशन इज द वेरीफाइड है या नहीं है. तो उसके रिलेशनशिप हमेशा बताना, हमेशा वेरीफाइड ही होंगे. कि वेरीफाई दिया होता है, प्रूफ दैट दिया होता है, तो उसका आंसर हमेशा क्या निकलेगा आपका? यस में. चेक करना होता है तो उसका आंसर यस या नो में, दोनों में निकल जाता है. लेकिन अगर रिलेशन वेरीफाई करना है मतलब आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? दोनों का सेम होगा. नाउ रेस्ट ऑफ क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन है, डू योर सेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो देन फॉलोइंग द रिस्पेक्टिवली. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट नंबर माइनस थ्री अपॉन टू, बी रूट टू वन अपॉन थ्री, सी थर्ड माइनस वन अपॉन फोर, फोर फोर्थ ज़ीरो रूट फाइव. नाउ देर आर द वन फॉर्मूला है, लुक हियर, एक्स स्क्वायर माइनस
alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0. दिस इज़ ए फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है. एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, अगर एक मेथड से तो बहुत लंबा जाएगा, दिस इज़ ए शॉर्ट ट्रिक है. एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा. अब उसने ये दिया सम ऑफ जीरो, मतलब माइनस थ्री क्या है, सम ऑफ जीरो. बस माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस थ्री, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है आपको, टू. फर्स्ट सम ऑफ जीरो यानी इन दोनों का प्लस, और प्रोडक्ट क्या दिया है, टू. तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस थ्री एक्स प्लस बीटा की प्लेस पे टू, तो एक्स स्क्वायर. हियर ये माइनस है और ये बी का माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज योर आंसर. अंडरस्टूड. सेम थिंग अगर सेकेंड नंबर है, फॉर्मूला आपको यही रखना है. फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये जो होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा. तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन थ्री. अब इसका एलसीएम ले सकते हो, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. सेम थिंग दिस में ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की क्या लिखोगे, माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर. ये फॉर्मूला आपको सब में लिखना है इधर. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू ज़ीरो. तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो. दिस इज़ योर आंसर. सेम थिंग फोर्थ नंबर में ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा. देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जीरो एक्स प्लस रूट फाइव. तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इज द योर आंसर. अंडरस्टूड. नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड. इफ़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो क्वाड्रिलेटर एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एस स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस के इज द 40, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो. सम ऑफ स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ आपको, 40. देन के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको. नाउ इसको जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. इसके साथ क्या करोगे, कंपेयर करोगे. तो कंपेयर करोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई आपकी, 8, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी, के. नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये आपका एक क्वेश्चन नाइन्थ में है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी. तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या है, तो क्या लिखेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू एक्स वाई वाली फॉर्मूला था. तो अल्फा प्लस बीटा का, अब अल्फा प्लस बीटा की क्या आपकी, एट, एट का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको कितना दिया है, 40 इक्वल टू 40 प्लस टू. अल्फा इंटू बीटा की प्लेस पे क्या दिया हुआ है, के. 64 इक्वल टू 40 इक्वल प्लस टू के. 64 में से 40 गए, कितना आ जाएगा, 24 इक्वल टू 2 के. तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12. 24 डिवाइड बाय 2, 12. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज द पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इसको इसको इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करोगे, एस स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स एक्स, फिर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइ इसके साथ कंपेयर किया
तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के, देन एस स्क्वायर प्लस सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 आपको दिया हुआ है। के की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा 8 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 40 प्लस 2 के, 40 का डिवाइड करोगे देन के की वैल्यू फाइंड इट। नाउ टुडे एक्सरसाइज हैज़ कम्प्लीटेड, योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 3.1 कम्प्लीट। अंडरस्टूड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।